हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर। तो ये आपका थर्ड पार्ट है और यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हम राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे थे। जानकी देवी बजाज सीकर, इनका जन्म जो है लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। तो जानकी देवी बजाज, तो ये सीकर में इनकी कर्म भूमि है और इनका जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। 1902 में जमुना लाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, यानी जो भी परंपराएं थीं, पुरानी रीति रिवाज जो थे उनको उन्होंने छोड़ दिया पीछे, और तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, याद रखिए 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्ष किसको चुना गया? जानकी देवी बजाज। ये भी याद रखिए कि ये किनकी पत्नी थी, तो जमुना लाल बजाज की ये पत्नी थी। ठीक है, अंजना देवी चौधरी सीकर, इनका जन्म जो है सीकर में हुआ 1897 में श्री माधोपुर में। एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में इनका जन्म होता है, अंजना देवी चौधरी का। इनका विवाह जो है किसके साथ हुआ? राम नारायण चौधरी के साथ हुआ। तो राम नारायण चौधरी जो कि राजस्थान सेवा संघ जो है उससे जुड़ते हैं, जिसकी संस्थापक जो है राजस्थान सेवा संघ के कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो वही राम नारायण चौधरी जिनकी पत्नी है अंजना देवी चौधरी, अपने पति की इच्छा के अनुसार 20 वर्ष की आयु में इन्होंने पर्दा प्रथा को त्यागा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को इन्होंने बढ़ाया। उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया, चाहे दलित उत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर सहयोग दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजना देवी चौधरी जो हैं राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला रही हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो है कहाँ होता है? सीकर जिले के श्री माधोपुर में होता है। विवाह इनका राम नारायण चौधरी के साथ होता है। रतन शास्त्री जयपुर से, तो ये भी जो है बहुत महान जो व्यक्ति हैं उनकी पत्नी है, हीरा लाल शास्त्री की पत्नी है रतन शास्त्री। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोज मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ। विवाह हीरा लाल शास्त्री जी के साथ हुआ। सन 1929 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरा लाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता और उनके परिवार की सेवा की। ठीक है, तो कुछ जो यहाँ पर आंदोलनकारी थे, क्रांतिकारी जो थे, उनकी पत्नियों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। फिर देखें रमा देवी जयपुर से, इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर पर हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया और 11 वर्ष की छोटी आयु में ही ये विधवा हो गई थी। तो बहुत ही कम उम्र की आयु में जो है ये विधवा हो जाती हैं, जिस वजह से इनका दोबारा विवाह किया जाता है। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादू राम जोशी से इनका पुनर्विवाह होता है। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया, नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादू लाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा गया, किंतु उनका जवाब क्या था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां
आती रहेंगी। कहाँ? बिजोलिया में, ठीक है। इन्हें वहाँ की कोतवाल ने जो है वो बहुत अपमानित किया, इनकी पिटाई की, किंतु ये दृढ़ रही। 1930 से 32 में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और ये कई बार जो है वो जेल गईं। तो रमा देवी जो कि बहुत कम उम्र में ही जो है इनका विवाह हो जाता है, विधवा हो जाती हैं और इनका दोबारा विवाह होता है, राजस्थान सेवा संघ से ये जुड़ती हैं। अगली जो महिला है वह है कालीबाई। कहाँ से हैं? डूंगरपुर से। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। तो ये पाठशाला जो है गांव में स्टार्ट किसने करवाई थी? रास्तापाल गांव में हमने पढ़ा था नानाबाई खाट ने, ठीक है। तो उसी गांव की जो है ये भील कन्या है कालीबाई, तो ये भी उसी पाठशाला में पढ़ती थी। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाबाई खाट ने मना कर दिया कि हम स्कूल को बंद नहीं करेंगे। इस पर सिपाहियों ने नानाबाई खाट की पिटाई करके और जो यहाँ का जो टीचर था उसका नाम भी याद रखें सेंगा भाई, इसको ट्रक से बांध कर घसीटना शुरू कर दिया। तो अब ये जो है कालीबाई, जैसे ही इन्होंने देखा कि इनके टीचर जो है इनको घसीट कर बांध कर घसीट कर जो है ले जाया जा रहा है, तो इस पर 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, तो जब उसने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रही हो, ठीक है। तो गुरुजी को जो है वो घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। ट्रक को रुकते देखकर अपने सिपाहियों की चेतावनी की कोई भी परवाह नहीं की। हाथ में उसके क्या थी? दराती। उससे सेंगाबाई के कमर से बंदी जो रस्सी थी उसको काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को जो है छलनी कर दिया। तो कालीबाई कितनी बहादुर लड़की थी, 13 साल की ही थी, सोचिए, ठीक है। तो अपने गुरु जी की रक्षा के लिए उसने ऐसा काम किया, लेकिन गोलियों का शिकार हो गई। 18 जून 1947 अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में 20 जून 1947 को उसने दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। आगे देखें किशोरी देवी। किशोरी देवी जो हैं, जो कि सरदार हरलाल सिंह की पत्नी, किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। तो सरदार हरलाल सिंह के बारे में हमने जाना था कि सरदार हरलाल सिंह जो हैं, जो कि प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ते हैं, उन्हीं की पत्नी हैं किशोरी देवी, ठीक है। और हमने देखा था कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना जो है वह इनके पति हरलाल सिंह ने ही की थी। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटरातल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में 1934 में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो यहाँ पर जो है महिला आयोजन क्यों किया गया, बहुत विशाल महिला आयोजन, क्योंकि सीहोट का जो ठाकुर था मानसिंह, तो ये जो है उस गांव की महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार करता है, तो उसके विरोध में ही बहुत बड़ी संख्या में जो है महिलाएं इकट्ठा होती हैं, जिसकी अध्यक्षता करती हैं किशोरी देवी। तो इस तरीके से चैप्टर होता है कम्प्लीट। अब चलिए इसके हम प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। हमने जो है चैप्टर पढ़ा, तो अब इसके आंसर जो है वो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से दे पाओगे। सीकर क्षेत्र के उन क्रांतिकारियों के नामों को लिखिए जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखा था डूंग जी जवाहर जी सबसे पहले जो क्रांतिकारी हमने पढ़े थे सीकर के थे दोनों, ठीक है। लोठू जी निठारवाल जो थे वह भी सीकर के थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो सोचिए इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है और ये आपका जो है वो क्या है, होमवर्क है, ठीक है।
आप खोजिएगा, वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है राजस्थान के कौन सा क्रांतिकारी जिसको फांसी पर लटकाया गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया था? तो याद आया आपको, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान शब्द तीनों में ही है इनके समाचार पत्रों में, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक ने इन समाचार पत्रों का संपादन किया। चेतावनी रा चुंगटिया किसकी रचना है? फटाफट से सोचो, दिमाग में जो है वो बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि चेतावनी रा चुंगटिया जो है वह किसकी रचना है। तो ये केसरी सिंह बारहट जो है इनकी रचना है चेतावनी रा चुंगटिया। डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? बिल्कुल, हमने अंतिम लाइन जो पढ़ी थी वह कौन सी थी? डूंगरपुर जिले की जो कालीबाई है और रास्तापाल गांव में जो है उनका स्मारक बना हुआ है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। विजय सिंह पथिक हैं, अर्जुनलाल सेठी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो विजय सिंह पथिक के बारे में अभी हमने देखिए समाचार पत्रों के बारे में पढ़ा, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक जो हैं समाचार पत्रों का संपादन करते हैं जिससे कि राजस्थान में जो है वो जन जागृति फैले। ठीक है, और इसके अलावा विजय सिंह पथिक जो है इनका नाम क्या था? भूप सिंह था, और यूपी में जन्म होता है और इनकी कर्मभूमि जो है वो राजस्थान थी। ठीक है, और राजस्थान सेवा संघ के जो ये संस्थापक रहे, इसलिए जो है इनको पूरे भारत में जो है किसान आंदोलन का जनक यदि बात करें तो विजय सिंह पथिक हैं। अर्जुन लाल सेठी जो हैं कौन थे? तो ये भी एक क्रांतिकारी थे। भारत के मुक्ति संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही है? तो इन्होंने जो है बहुत सारे जो हैं स्कूल जो हैं वो चलाए थे। ठीक है, तो स्कूल चलाने का कारण जो है वो यही था जिससे कि राजस्थान में जो है जनजागृति फैले, लोगों को पता लगे, उनके अधिकारों को जो है उनकी जानकारी जो है उनको हो। ठीक है, इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी के बारे में जो है एक लाइन जो थी जो क्या थी कि जो सवाई माधव सिंह सेकंड जो थे उन्होंने उनको कहा था कि जयपुर का जो है इनको प्रधानमंत्री बना देंगे अर्जुन लाल सेठी को। तो अर्जुन लाल सेठी जो है वो इनकार कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि अगर अर्जुन लाल सेठी जो है नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही? तो यह हमें पता है, बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर समाचार पत्रों का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, समाचार पत्रों के द्वारा ही लोगों को पता लगी, सारी जानकारी मिली और लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका जो है रेखांकित कीजिए। तो हमने बहुत सारी महिलाओं के बारे में पढ़ा जिनके जो पति थे उन्होंने भी यहाँ पर बहुत भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा निभाई, जिसमें हमने जो है हरलाल सिंह जो हैं उनकी पत्नी के बारे में पढ़ा था कि हरलाल सिंह की पत्नी का नाम क्या था? किशोरी देवी था। ठीक है, रमा देवी के बारे में पढ़ा, रमा देवी जो कि बहुत कम उम्र में जो है वो विधवा हो जाती हैं, फिर उनका विवाह कर दिया जाता है, राजस्थान सेवा संघ से जो है वो जुड़ती हैं। ठीक है, रतन शास्त्री के बारे में पढ़ा जो हीरालाल शास्त्री की पत्नी रहीं, अर्जुना देवी चौधरी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में हमने ये जाना कि सबसे पहली महिला रही थी जो कि उस वक्त गिरफ्तार हुई थी। ठीक है, जानकी देवी बजाज के बारे में पढ़ा, जमनालाल बजाज की वाइफ थी वो। कालीबाई के बारे में पढ़ा था जिनका जो है स्मृति, उनकी स्मृति में जो है स्मारक जो है वो डूंगरपुर जिले के रास्ता गांव में बना हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारहट परिवार के योगदान को सविस्तार बताइए। तो हमने देखा था कि जो प्रताप सिंह बारहट जो कि बहुत कम उम्र, बहुत ही छोटी उम्र में ही जो है यहाँ पर शहीद हो जाते हैं, लगभग जो है वो 22 वर्ष की उम्र जो है वो हमने पढ़ा था, है ना, बरेली जेल में जो है उनको बंदी बना के रखा हुआ था। इसके अलावा जो उनके पिता थे केसरी सिंह बारहट, उनके चाचा थे जोरावर सिंह बारहट, ठीक है, वो भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे, तो इनके बारे में हमने पढ़ा। इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर जो है वो आपका पूरा होता है, कुछ भी नहीं छूटा है। बार बार इसको पढ़िए जिससे कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ सकें और ये याद हो सकें।
तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें चैप्टर 3 में हम इसके आगे की ही कहानी पढ़ेंगे कि राजस्थान के क्रांतिकारियों ने जो है जन जागृति फैलाई यहाँ पर राजस्थान में, और उसके बाद जो है किसानों में भी आंदोलन होता है। ठीक है, तो राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।